हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय और आप सभी का स्वागत है एसके किचन एंड ट्रैवल में। दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बिरयानी। मतलब बिरयानी खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर घर पे आप ट्राई करें, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जब बनती है ना, आ हा हा, क्या उसकी खुशबू आती है। खुशबू से ही मतलब आपकी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। कोई नहीं, थोड़ा मेहनत कभी काम कभी कभी कर लेना चाहिए। और दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बिरयानी। तो चलिए किचन में और बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हैं, ये पक्के चावल हैं, कच्चे चावल ना लिए वरना वो चिपक जाएंगे आपस में, उतना मज़ा नहीं आएगा बिरयानी में। इसके बाद में मैंने गैस पे कुकर को रख दिया है, इसमें जीरा डाल दिया है। पानी हमारा जब बॉयल होने लगे तो यहाँ पे नमक डाल दें। नमक इतना ज़्यादा डालना है कि आपको जब टेस्ट करें ना तो पानी नमकीन सा लगे, ताकि हमारे जो चावल हैं ना वो उसमें नमक, थोड़ा नमक का टेस्ट आ जाएगा तो अच्छे लगेंगे। जब हमारा पानी जो है वो बॉयल होने लगा है, इसके बाद में हम अपने इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने अच्छे से धो के लगभग 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब अपने सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं कुकर में, और इसे एक बार चला करके देख लें। चावल को आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 80% कुक करना है। और इसके बाद में थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल डाल रहा हूँ, ताकि हमारे चावल जो हैं वो आपस में चिपके ना। चावल लगभग हमारे 80% कुक हो चुके हैं, और इन्हें अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे मतलब सारा इनका पानी निकाल देना है। इसके बाद में देखिए, मैंने सारा चावलों का पानी निकाल दिया है, और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। ये देखिए, बिल्कुल चावल हमारे जो हैं वो अलग अलग हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। इसके बाद में एक मैंने बाउल लिया है, उसमें अपना दही निकाल लिया है। लगभग मैं 250 ग्राम दही यूज़ कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला डाला है। इसके बाद में जीरा, और ये है हमारी बीन्स। आपकी मर्ज़ी है वो सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, मुझे बीन्स अच्छी लगती है इसलिए मैं बीन्स यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही हम डालेंगे आप अपनी गाजर, देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है गाजर से। इसके बाद में है आलू, मैं पनीर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आप आलू की जगह पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। ये है सोया चंक्स, सोया चंक्स को मैंने गर्म पानी में 5 मिनट के रख लिया था, बाद में पानी सारा निकाल दिया था। ये है हमारी हरी मिर्च। इसके बाद में पुदीना, इसे स्किप ना करें क्योंकि बिरयानी में बिना पुदीने के बिरयानी नहीं। ये धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा हूँ। और ये है हमारे ब्राउन ऑनियन, इसे मैंने तेल में जो है फ्राई किया था ऑनियन को, मतलब प्याज को। इसके बाद में बिरयानी में ये तो भाई बहुत ज़रूरी है, इसे मैंने डाल दिया है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, जो भी हमारी सारी चीज़ें हैं इन्हें ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए सब कुछ मैंने दही में मिक्स कर दिया है। इसके बाद में हम अपनी गैस पे कुकर रखेंगे, क्योंकि हमारे जो समय सारी सब्जियां हैं उन्हें हमें फ्राई करना है। ये मैं देसी घी डाल रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि बिरयानी में देसी घी की खुशबू, वाह मतलब मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा ही देसी घी डालें, 2-3 चम्मच डालें। इसके बाद में हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले में आप दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा, ये सब ले लें। ये देखिए, ये सब सूखे मसाले अपने घी में डालेंगे, थोड़ी सी स्मेल आने लगे, खुशबू सी। उसके बाद में हम इसमें अपनी सब्जियां डालेंगे, ये सब्जियां जो कि दही में मैंने दही और सब्जियां मिक्स की थी वही सब डाल रहा हूँ। गैस बिल्कुल हल्की कर दें, हल्की गैस पे ही चलाएं, नहीं तो क्या होगा कि हमारा दही जो है वो फट सकता है। ये देखिए, अब अच्छे से इसे चला देंगे। आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ऐसे हल्की गैस पे ही आपको लगभग 10 मिनट इन्हें पकाना है, ताकि सब्जियां जो हमारी हैं वो लगभग 50% कुक हो जाएं। अच्छे से पूरा नहीं पकाना है, हल्की सी कच्ची ही रखनी है। इसके बाद में ये मैंने डाल दी अपनी हरी मटर,
और अब इसके बाद में हम जो है वो अपने चावलों को इसके ऊपर डाल देंगे। एक मैंने चावल डाल दिए, अभी आधे चावल बचे हुए हैं। इसके बाद में इसके जो हमारा हरा धनिया और पुदीना था वो थोड़ा बचा हुआ था वो उसे मैं डाल देता हूँ। प्याज डाल दिया, जो ब्राउन ऑनियन है इन्हें चला देंगे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखा पाया, जो सब्ज़ियाँ मैं फ्राई करा था तब मैंने नमक भी डाल दिया था। नमक बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि हमारे चावल में भी नमक है। सब्ज़ियाँ जितनी हैं उसी हिसाब से डाल लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देते हैं चावलों की एक लेयर के ऊपर। इसके बाद फूड कलर मैं डाल रहा हूँ। फूड कलर से क्या होता है, आप एक्चुअली केसर मुझे मिल नहीं पाया इसलिए मैं फूड कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप केसर डाल सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट फूड कलर भी सही है। इससे क्या होगा कि जो बिरयानी का एक कलर आएगा ना, लुक लगता है कि हाँ बिरयानी है, इसलिए लुक आने के लिए, अच्छा सा दिखने के लिए मैं फूड कलर यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद फिर हम अपने बचे हुए चावल ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए सारे चावल हम अपने डाल देते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा फूड कलर बच गया था वो भी मैंने डाल दिया है ऊपर से। इसके बाद मैंने गैस पे अपना तवा रख दिया है। तवे के ऊपर हम अपना जो कुकर है रख के बिरयानी को पकाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हीट में क्या है, इसमें पानी एक्चुअली डाला नहीं है, तो डायरेक्ट हीट में पकाएंगे तो ये जलने का डर रहेगा, इसलिए नीचे तवा रख के ऊपर पकाएंगे इसे। ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे केवड़ा डाल रहा हूँ, 2 चम्मच केवड़ा डाला है। केवड़े से एक खुशबू आएगी बिरयानी में, बहुत अच्छी मीठा केवड़ा होता है। इसके बाद में हम अपना ढक्कन लगा देंगे कुकर का। कुकर की जो सीटी है वो मैंने निकाल ली है क्योंकि मुझे सीटी नहीं लगानी है, ऐसे ही पकाना है। और एक मैं नॉर्मल एक ढक्कन प्लास्टिक का ऊपर रख देता हूँ ताकि जो स्टीम है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीम, मतलब सारी स्टीम बाहर ना निकल जाए। तब एक ऊपर कुकर रखा हुआ, एक ढक्कन ऊपर रख दिया है ताकि स्टीम हमारी ना निकले। और लगभग 10 से 15 मिनट में ऐसे ही कुक करेंगे, हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। और उसके बाद में इसे ना खोलें, 10 मिनट बाद खोलें, देखिए 10 मिनट के बाद में, वाह देखिए हमारे चावल जो हैं वो सारे अलग अलग हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना बिरयानी, वाह। मतलब लोग सोच रहे होंगे अपने आप ही वाह वाह कर रहे हैं, नहीं भाई सच में बहुत अच्छी है। ये देखिए हमारी बिरयानी, सारे चावल, एक एक चावल अच्छा है, कलर भी आया है, येलो कलर है, रेड कलर है, कितनी प्यारी लग रही है ना, एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए सारे जो भी चावल हैं सब अलग अलग हैं, बहुत टेस्टी है बिरयानी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बिरयानी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि मेहनत बहुत लगी है, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।